सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का इस वीडियो में स्वागत है। आज की जो वीडियो बनाई जा रही है उसका उद्देश्य है आप लोगों को सीबी का किस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करना है आंगनवाड़ी सेंटर लेवल पे। मैक्सिमम इंस्पेक्शन में जो है यह पाया गया कि सीबी का रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो रहा है, तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है कि आप समझें कि आपको सीबी का जो रिकॉर्ड है, जो आप सीबी की गतिविधियां करते हैं पहले और 15 तारीख को महीने के, उसे आपने किस तरह से जो है अपने रजिस्टर में एंटर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, आप रजिस्टर पे जब सीबी करते हैं तो इस तरह से लिखेंगे कि आज दिनांक इतने को आंगनवाड़ी केंद्र, आपके आंगनवाड़ी केंद्र का नाम में सीबी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जितने लाभार्थी आए होंगे उनकी संख्या, लाभार्थियों ने भाग लिया। इस समुदाय आधारित कार्यक्रम में लाभार्थियों को निम्न विषयों पर जानकारी दी गई। अब विषय देखिए कौन कौन से हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं क्या कर रही हैं कि पोषण ट्रैकर में तो वो सीबी का रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन कर रही हैं, परंतु जो रजिस्टर्स की बात है तो रजिस्टर में वो लिख रही हैं कि एक तारीख को जो है वो सीबी में टीएचआर दिया गया और 15 तारीख को जो है वो बच्चों का वज़न किया गया, जबकि ये जो है सीबी के विषय में दोनों ही चीज़ें नहीं हैं। तो ये देखिए, पहले मैं आपको एक ओवरव्यू सा देता हूँ कि विषय 5 हैं। अब कोई एक विषय के ऊपर जो है वो ज़रूरी भी नहीं है कि सीबी एक ही विषय पर होगी, ये आपके लाभार्थियों पर डिपेंड करता है कि आपके पास लाभार्थी जो हैं उस विषय में जो है वो फॉल कर रहे हैं या नहीं। ये देखिए, विषय नंबर 1 जो है गर्भावस्था की पहली और दूसरी तिमाही के दौरान महिलाओं को आमंत्रित करना। फिर विषय दूसरा जो है वो है अन्नप्राशन दिवस, फिर सुपोषण दिवस जिसमें कि पुरुष अभिभावकों को जो है वो आमंत्रित करते हैं, फिर आंगनवाड़ी केंद्र में प्री स्कूल के लिए तैयारी करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेश। अब आप इनमें से किसी एक विषय को तो चुनते ही हैं अगर आपके पास जैसे अन्नप्राशन और गोद भराई जैसे ये चीज़ें ना हो। तो ये देखिए, आप जो है पहला जो है विषय गर्भावस्था की पहली दूसरी तिमाही के दौरान महिलाओं को आमंत्रित करना, अब इसी को जो है वो गोद भराई की रस्म भी हम बोलते हैं, उनकी पहली और दूसरी तिमाही के दौरान जब उन्हें बुलाते हैं आंगनवाड़ी केंद्र में, तो आप लिखेंगे कि जैसे सपोज़ कीजिए आपने, आपके पास जो एक लाभार्थी है आपने गोद भराई की रस्म करनी है, तो आप ऊपर ये चीज़ें लिखेंगे कि आज दिनांक इतने इतने को आंगनवाड़ी केंद्र में सीबी मनाई गई जिसमें कि इतने लाभार्थियों ने जो है भाग लिया या इतने प्रतिभागियों ने भाग लिया। फिर इस सामुदायिक आधारित कार्यक्रम में लाभार्थियों को निम्न विषयों पर जानकारी दी। तो पहला एक विषय होगा, जैसे पहला विषय है कि गोद भराई, तो गर्भावस्था की पहली और दूसरी तिमाही के दौरान महिलाओं को आमंत्रित करना, ये विषय जो है आप ऊपर लिखेंगे थोड़े से बोल्ड लेटर्स में, थोड़े मोटे से पेन से। इसमें फिर आप लिख सकते हैं कि इसमें इतनी गर्भवती महिलाओं, एक है तो एक गर्भवती महिला, दो तीन है तो दो या तीन गर्भवती महिलाओं को आमंत्रित कर गोद भराई की रस्म को मनाया गया। इसमें गर्भवती महिला व उसके परिवार वालों को गर्भावस्था के दौरान खान पान का विशेष ध्यान एवं चुनाव कि खान पान के ऊपर जो है वो कौन सा उनको खाना पीना जो है वो चुनना है इस विषय में, जब उनकी जो है वो सेकेंड या थर्ड जो ट्राइमेस्टर है उस दौरान, प्रसव पूर्व तैयारियां तथा प्रसव के संबंध में जानकारियां दी गई। ये देखिए, आप जो है इससे ज़्यादा लिखें, ये तो एक आपको थोड़ा सा बताने के लिए वीडियो बनाई जा रही है कि इस तरह से आप लिखें। फिर अगर सपोज़ करो कि आपके आंगनवाड़ी केंद्र में जो है गोद भराई नहीं, आप अन्नप्राशन दिवस कर रहे हैं, तो फिर आप विषय क्या लिखेंगे, ऊपर अन्नप्राशन दिवस, नीचे लिखेंगे कि इसमें 6 माह पूर्व किए तथा 7वें माह के प्रवेश में, 7वें माह में जो प्रवेश कर रहा है बच्चा
वो कहें कितने बच्चे आपने आमंत्रित किए, 1, 2, 3, 4 इतने बच्चों का आमंत्रित किया गया। बच्चों का अन्नप्राशन उनके अभिभावकों के साथ किया गया तथा ऊपरी आहार का स्तनपान के साथ महत्व उनको बताया गया। इसी तरह यदि आपने अन्नप्राशन और गोद भराई भी नहीं करनी है, आपने सुपोषण दिवस मनाना है, तो सुपोषण दिवस उसमें आप लिखेंगे ऊपर विषय सुपोषण दिवस, फिर लिखेंगे कि इस अवसर पर विशेष रूप से पुरुष अभिभावकों को आमंत्रित किया गया तथा उन्हें ANC यानी कि प्रसव पूर्ण जाँच, गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोलियाँ, संतुलित आहार, स्तनपान, विकास की निगरानी, ऊपरी आहार इत्यादि का महत्व बताया गया। अब इस चीज़ में इस बात का आप लोग ख्याल रखना कि आपने जो है सुपोषण दिवस मनाया और आपने उसमें लिखा कि इस अवसर पर विशेष रूप से पुरुष अभिभावकों का आमंत्रित किया गया, मतलब कि पुरुष अभिभावकों को, तो जो नीचे आप CB के जो इसी रजिस्टर में जो सिग्नेचर लेंगे लोगों के, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके, उसमें जो है वो पुरुषों के सिग्नेचर भी हों, इस चीज़ का ख्याल रखना। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर सुपोषण दिवस लिखा और नीचे जो है वो महिलाओं के ही साइन करवाए। अब जो है अगला विषय, अगर ये ऊपर के तीन विषय भी नहीं है तो आंगनबाड़ी केंद्र में प्री स्कूल के लिए तैयारी करना, तो इस अवसर पर इतने बच्चों जो कि इस माह 3 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, जो 3 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, इतने बच्चों ने भाग लिया। बच्चों में प्री स्कूल के लिए उत्साह को बढ़ाने हेतु आंगनवाड़ी में मौजूद प्री स्कूल की लेखन एवं खेल सामग्री का आवंटन किया गया। इसमें बच्चों के अभिभावकों तथा अन्य मौजूद लाभार्थियों को प्री स्कूल शिक्षा प्रणाली के संबंध में जागरूक किया गया। इस विषय पर मौजूद लाभार्थियों को संतुलित पौष्टिक आहार के बारे में जागरूक किया गया। इसके बाद आपका विषय जो लास्ट बचता है वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेश, ये 5वां विषय है। तो इस विषय पर मौजूद लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ दी गई, हाथों को धोना, आस पड़ोस में स्वच्छता, बच्चों का टीकाकरण, कृमिनाशक दवाओं का सेवन तथा अन्य स्वास्थ्य अनुपूरक खुराक इत्यादि के बारे में जागरूक किया गया। तो आप जो है एक विषय को चुन सकते हैं या आप 2 विषय 3 विषय जैसा भी आपको जो है वो ठीक लगता है आप चुन सकते हैं, और CBE में आप इन विषयों के ऊपर जानकारी दें लोगों को और फिर आप इन विषयों को जो है CBE के रजिस्टर में एंटर करें। तो ये जो है ये हुई पहला आपका जो कोई विषय आपने चुना। इसके बाद CBE में आप और भी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं, जैसे पोषण ट्रैकर और पोषण कैलकुलेटर में बच्चों की विकास की निगरानी के संबंध में चर्चा की गई, और जो हमारी डिफरेंट स्कीम्स है जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सुखाश्रय इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में लाभार्थियों को जागरूक किया गया। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिएगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता में जो है ये चीज़ें नहीं की जानी है। अन्य चर्चा जो भी आपने उसमें की वो आप पंक्तिवार ब्यौरा जो है वो दे सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको मुख्य रूप से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो विषय हैं CBE के, जो ये 5 विषय हैं, आप इन विषयों को तो आपको जो है वो मैंडेटरी है कि चुनना ही होगा, क्योंकि CBE के विषय इनसे बाहर नहीं हो सकते। यही CBE के प्रमुख रूप से जो जानकारियाँ देनी है लाभार्थियों को, ये वही विषय हैं जो CBE में आते हैं। और मैक्सिमम आंगनवाड़ी केंद्रों में जो है इन विषयों के ऊपर बात ही नहीं की जा रही है, वो जो है वो कुछ और ही चीज़ें जो है अपने रजिस्टर में लिख रहे हैं। चलिए, आई होप कि ये विषय तो आपको क्लियर हो गए होंगे और किस तरह से आपने जो है अपने रिकॉर्ड्स को एंटर करना है वो भी क्लियर हो गया होगा। नीचे आप जो है अन्य कोई भी जो चर्चाएं हुई वो लिख सकते हैं लाइन पॉइंट वाइज। उसके बाद जो लोग वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स आए थे, जो प्रतिभागी आए थे, उनके जो अटेंडेंस है उसका फॉर्मेट, तो आपको देखिए इस तरह से बनाना है कि इस अवसर पर मौजूद रहे प्रतिभागियों की उपस्थिति विवरण निम्नलिखित है: क्रम संख्या, प्रतिभागियों का नाम, उनका पता, उनका टेलीफोन नंबर और फिर उनके हस्ताक्षर। इसके बाद जो है कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों में हमने ये भी देखा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ फ़ोटोग्राफ भी जो है वो लगा रही हैं, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छी बात है, अगर आप फ़ोटोग्राफ भी लगाने में जो है सक्षम हैं तो आप फ़ोटोग्राफ भी लगा सकते हैं CBE का।
अन्यथा ये जो चीज़ें जो आपको अभी इस वीडियो में बताई गई, इन चीज़ों को जो है आपने प्रमुख रूप से करना ही है, और इस तरह से आप अपने सीवी का जो रजिस्टर है उन रजिस्टरों को मेंटेन करें। वरना इस तरह से तो अच्छा संदेश नहीं जा रहा है कि सीवी में पहली तारीख को लिख रहे हैं कि THR बांटा गया और 15 तारीख को लिख रहे हैं कि वजन का जो माप है वो बच्चों का लिया गया। सीवी जो है वो एक इस तरह की गतिविधि है जिसमें जो है विषय हैं, और इन विषयों से बाहर जो है सीवी को नहीं किया जा सकता। इन विषयों को मुख्य रूप से इस गतिविधि में आपको जो है वो इंश्योर करना होगा कि ये जो विषय हैं इसके ऊपर चर्चा जो है वो की गई। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो है अब ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी आपके कोई डाउट हैं तो आप जो है मुझे नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको जो है फिर कोई ऐसी ही वीडियो अगर आपको चाहिए मेरी ओर से तो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन प्लीज़ आप सब लोग जो है सीबी को प्रॉपरली जो है वो आपके रजिस्टर में रिकॉर्ड करें। एक बार मैं फिर से आपको ये देखिए स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो इस वीडियो को बीच में पॉज करके भी इस चीज़ को देखते रहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ से जो बताया जा रहा है आप ऐसा ही करें। ये वीडियो जो है आपको विषयों की क्लैरिटी के लिए बनाई जा रही वीडियो है। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी लिखें, और इवन हमारी अपेक्षा तो यही रहती है कि आप ज़्यादा ही लिखें, क्योंकि आपके पास जो है आई थिंक लिखने के लिए काफ़ी सामग्री अवेलेबल होती है, और बात भी जो है CB में काफ़ी मुद्दों के ऊपर की जाती है। आई होप कि आप सब लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट हुआ होगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।